लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सारा दूध बिल्ली पी गई? हाँ पी गई। अरे ये सब कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है भगवान? अरे इतना सारा दूध बिल्ली कैसे पी सका था? मोटी बिल्ली थी ना, बहुत मोटी। हाँ और भूखी भी। कहीं तुमने रहम खाकर उसे सारा दूध तो नहीं पिला दिया? अब जाता भी है पुलिस की तरह पूछताछ करता रहेगा। मुझे जल्दी से दूध ले जाना है, वो लोग नाराज हो जाएंगे। ठीक है, दूध लेकर इस बार हम जाएंगे। भैया जरा हम भी तो देखें कि वो कौन सी बिल्ली है, कैसी बिल्ली है जिसने हमारा दूध पीने की जरूरत की। नहीं, दूध मैं ले जाऊंगा। दूध निकालते निकालते हमारी उंगलियां दर्द करती है, तुम्हारा क्या है? तुम तो आराम से बांसुरी बजाते रहते हो, न जाने किन किन गोपियों को रिझाते रहते हो। हमारी मेहनत बिल्ली पी जाए ये हमें गवारा नहीं। तू तो हम ही ले जाएंगे। देखता हूँ तू कैसे ले जाएगा। मैं ले जाऊंगा। तू नहीं जाएगा। क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकता? माँ तुझको मैंने पहले ही कह दिया है कि तुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर गंगा की तबीयत भी खराब हो गई है, उसके दिन पूरे हो गए हैं, पहला बच्चा है, तकलीफ भी ज्यादा हो सकती है। तुझे उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाना है। लेकिन वो तो लौट कर भी ले जा सकता हूँ ना। मैंने तुझे कह दिया ना कि तू नहीं जाएगा। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। चुप। बड़ा आया, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। मुन्ना जाएगा। आज हमें बिल्ली देख आने दो श्याम भैया, तुम कल चले जाना। अरे राधा जी आप यहाँ? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ, तुम फिर दूध देने क्यों नहीं आए कल? वो क्या है ना जी, कल माँ ने बहुत जरूरी काम से बाहर भेज दिया था मुझे। अरे तुम्हारी आंखें तो लाल है। वो तो कल रात में सोया नहीं ना। जो हाल मेरा वही हाल इसका भी। दूध? हाँ। दूध की तरफ ध्यान देना, कहीं जमीन पे नहीं गिराना। बर्तन भर गया है। अच्छा मैं चलता हूँ। आज इतनी जल्दी है क्या? आज मुझे घर जल्दी से पहुँचना है, मेरी गंगा को बच्चा होने वाला है ना। बच्चा होने वाला है? हाँ, कल रात उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए तो मैं रात में सोया नहीं। क्या? पहला बच्चा होता है ना तो बड़ी परेशानी होती है जी। तो क्या ये शादीशुदा है? अच्छा मैं चलता हूँ। अरे अरे जरा संभल के जाइएगा, थोड़ा सा भी दूध गिरा ना तो मालकिन की डांट पड़ेगी। क्या हुआ श्याम जी, दूध देकर जल्दी चले गए क्या? ना मत लो उस की बात का। राधा जी, राधा जी, राधा, राधा। अरे आप यहाँ पर बैठी हुई हैं? कहाँ कहाँ तो नहीं ढूंढा मैंने आपको। आप क्या लेने आए हो यहाँ? जी आपको ये मिठाई का डब्बा देने आया हूँ। जानती है गंगा माँ बन गई है, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ पाप बनने की खुशी तो होती होगी ना। अब गंगा का बच्चा मेरा ही बच्चा तो हुआ ना। लीजिए मिठाई खाइए। जब गंगा से प्यार करते थे तो मुझे धोखा देने की क्या जरूरत थी? गंगा ही नहीं जी, मैं तो यशोदा, तुलसी, जानकी, जमुना सभी से प्यार करता हूँ। और जानती है आप, वो सब भी मेरी बांसुरी की उतनी दीवानी है जितनी आप। अब ये बांसुरी मैं तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगी, ना ही तुम इसे बजा सको और न किसी को धोखा दे सको। अरे ये क्या कर रही हैं आप, अगर मैंने बांसुरी नहीं बजाई तो यशोदा, तुलसी, जानकी कोई दूध नहीं देगी। दूध? किसकी बात कर रहे हो तुम? अपनी गायों की। आप क्या समझी? मैं समझी, मैं समझी, मैं समझी। मैंने तुझे कहा था ना, कहा था कि नहीं कि उस कोठी की तरफ से आती हुई हवा में सांस लेना भी खतरनाक है। लेकिन माँ मैं उससे प्यार करता हूँ। माँ प्यार? तूने अभी देखा ही क्या है, तू समझता है फूलों की डाली है प्यार? मैंने देखा है तलवार की धार है प्यार, मौत है प्यार, लहू लुहान हो जाएगा, मिट जाएगा, भूल जा उसे। लेकिन वो तो मेरी जिंदगी है माँ। पागल है तू,
हवेलियों की सीढ़ियां जब भी झोपड़ों में उतरती हैं, तो उन्हें बर्बाद कर देती हैं। हवेलियों ने कभी किसी को ठोकर के सिवा कुछ नहीं दिया। माँ वो हवेली में जरूर रहती है, मगर हवेली वाली नहीं है। तो फिर कौन है? हमारे जैसी है माँ, गरीब नौकरानी, नौकरी करके पेट पालती है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है माँ, कोई नहीं। कोई नहीं है? हाँ माँ, वो मेरी हंसी है, मेरी खुशी है, मेरा सब कुछ है। अगर वो तेरी सब कुछ है तो इस तरह चोरी चोरी क्यों मिलता है उससे? उसे यहाँ ला, मैं भी तो देखूं कि जिसको मैंने जन्म दिया है उसकी जिंदगी कौन है। माँ, ओ माँ। तुम रुक क्यों गए, बजाओ ना। मैं बजाता कब था, मैं तो तुम्हें पुकारता था। तुम आ गई, अब बजाने की जरूरत नहीं। तुम जब भी बांसुरी बजाते हो तो ऐसा लगता है जैसे हवा के पन्नों पर तुम्हारी बांसुरी की सुर मुझे प्रेम पत्र लिख रहे हो, और प्रेम पत्र का एक एक लफ्ज मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो, बुला रहा हो, जैसे जैसे कह रहा हो जाओ, जाके मिलो अपने श्याम से। राधा! पापा! गंदी नाली के कीड़े, हमारी बेटी की तरफ आंख उठाकर देखने वाला जिंदा नहीं रह सकता। श्याम मेरा इंतजार करके चला गया। बिबिया, क्या हुआ राधा, तू अभी सोकर उठी है क्या? आज मैंने बहुत बुरा सपना देखा। सपना? हाँ, ऊपर से मैं देरी तक सोती रह गई और वो आगे भी चला गया। ओ, तू फिक्र क्यों करती है मेरी गुड़िया, दिन भर उसकी जुदाई में तड़पेगी, तभी तो श्याम जी से शाम को मिलने का मजा आएगा ना। अरे बिंदिया! ये बिंदिया नहीं, राधा बेबी है। हाँ, राधा बेबी, उस दिन आपने हमें बेवकूफ बना दिया, अब नहीं बना सकती। चुप कर, पहले अपने मुंह पे ताला लगा। हाँ। मुंह पर तो ताला लग जाएगा राधा बेबी, लेकिन आंखें तो खुली रहेंगी। क्यों जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं जाऊंगी बाहर और अकेली जाऊंगी। बेबी, आप अकेली बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि आप आगे आगे और हम पीछे पीछे। क्यों जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। Oh my God, मैं क्या करूं? ठीक है, फिर मैं अपने बेडरूम में ही जाती हूँ। हाँ बेबी, अपने बेडरूम के पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमने वहाँ पहले ही ताला लगा दिया है। मुझे मालूम है जी। अच्छा है? अरे, एक बार फंस गए बार बार नहीं फंसेंगे। हाँ, क्योंकि हमें और बेवकूफ बनाने वाला अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है। क्यों जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। बताओ क्या हुआ? क्या हुआ? वॉच कहाँ पर? यहाँ क्या? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझे नस पकड़नी आती है, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। अरे तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, जाके डॉक्टर को बुला। जा, एक मिनट, दर्द कहाँ हो रहा है? यहाँ? अरे यहाँ। तू अभी तक यही खड़ा है? अरे जा जल्दी से डॉक्टर को लेके, जा जल्दी जा। एक मिनट, यहाँ थोड़ा ऊपर, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा ऊपर, वहीं रुक जा। अरे तू अभी तक यही है, डॉक्टर साहब को बुलाने नहीं गया? मैंने सोचा उतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, इसलिए डॉक्टर साहब को यहीं से फोन कर दिया। उसका पैर छोड़,
डॉक्टर साहब आ रहे हैं। अरे तू बाहर जाके डॉक्टर साहब को रिसीव कर, तेरी बारी है, तू जाके रिसीव कर। तू जाके रिसीव कर, जाके रिसीव कर। मैं तो तू जा, तेरी बारी है। बारी की क्या बात है, तू जा, तू जा। अरे तू जा, तू जा कह रहा हूँ ना, तेरी बारी है, तू जा, तू जा। अबे चुप, अब किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे ये तो बिल्कुल ठीक हो गई। देखा, मैंने कहा था ना मैं नस पकड़ सकता हूँ, इसीलिए मैंने बिंदिया की नस पकड़ी और वो बिल्कुल ठीक हो गई। चुप कर, हमें यहाँ बिंदिया की नस के लिए नहीं, राधा बेबी की देखभाल के लिए भेजा है। चलो नाराज हो लेकिन तुम मेरी मजबूरी क्या जानो? मजबूर तो हम भी थे, माँ ने तो उस बंगले की तरफ जाने से ही मना किया था, लेकिन हम दीवानों की तरह आपको एक नजर देखने के लिए हर रोज सुबह दूध लेकर आते रहे, और आज आज जब मैंने माँ से वादा किया आपको मिलाने का, तो आप ओहो, अब माफ भी कर दो ना। छोड़िए छोड़िए, अगर आपको मेरी परवाह नहीं ना तो मुझे भी आपकी कोई परवाह नहीं। अच्छा, बिल्कुल। जल्दी भागो, मधुमक्खियां काट लेंगी। भागो। ये क्या किया तुमने? अगर मधुमक्खियां तुम्हें डंक मारती तो? तुमने तो कहा था कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं। अच्छा?